हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखो, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया एडमिशन मेरे मार्क्स बहुत कम है, सीयूईटी में 225 है, 250 है, 300 है, बहुत कम मार्क्स है, तो बिल्कुल आप इस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपके इम्फाल में है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटीज है। आप चेकआउट करोगे तो इनकी साइट्स पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अभी पोर्टल इनका ओपन है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यूजी पीजी यहाँ पे और पीएचडी में फिलहाल में एडमिशन चल रहे हैं। आप चेकआउट करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन मेंशन है। 16 तारीख से अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप देखोगे स्टार्ट हो चुके हैं सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर। बहुत कम मार्क्स है तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। आप देखोगे 16/8/2024 से जो है 8/9/2024 तक यहाँ एप्लीकेशन चलने वाले हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें आप देखोगे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए भी है, और आपका जो है यहाँ पे डिटेल में देखोगे, सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब सिंपल है, आपको फीस थोड़ा सा हाई रहती है, जो कि आपको पेमेंट सीट यहाँ पे अलॉट होती है। आप देखोगे कितनी कितनी सीट्स कहाँ पे है, जो कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, देन आपका वीवीएससी भी है। आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है। आप अप्लाई करो, ठीक है। प्राइवेट से तो बेटर है, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इधर उधर भागते हो प्राइवेट में, और इतनी फीस आप देते हो, 50-60 हज़ार आप प्राइवेट में देते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट आपकी यूनिवर्सिटीज है आईसीआर, ठीक है, थ्रू आपको अप्रूव्ड एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल एग्रीकल्चर इम्फाला में। आप देखोगे एग्रीकल्चर के लिए टोटल 15 सीट्स है, ठीक है, और आप देखोगे इनका जो है अरुणाचल प्रदेश में भी एक कैंपस है, तो इसमें भी आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है। देन आप चेकआउट करते जाओगे तो फॉरेस्ट्री के लिए भी इनकी 5 सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पे 6 सीट्स अवेलेबल है। देन आप फूड टेक में भी देखोगे, ठीक है, और आपको बीएफएससी करना है यानी फिशरीज, तो त्रिपुरा में इनकी 7 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। बीबीएससी एंड डीएच में भी आपकी 5 सीट अवेलेबल है। देन आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में देखोगे सिक्किम में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, 58 यहाँ पे टोटल सीट्स है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आउट हो जाता है। देखो, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, सिंपल सा फंडा है, तो आपको जाना पड़ेगा आउट, और ये सारी चीजों को आपको इतना ज्यादा नोटिस नहीं करना है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर करना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, तो आप देखोगे सेल्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी, इन्होंने सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका रिजर्वेशन भी नहीं लग रहा है, ये देख सकते हो, उन्होंने लिख दिया है रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब सारे जितने भी स्टूडेंट आएंगे सारे सिमिलर, उनको बराबर जो है नजरों में देखा जाएगा, वो जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो किसी भी कैटेगरी का हो, आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई भी कट ऑफ आपका यहाँ पे नहीं निकलता है, सिंपल सा है, ठीक है, रिजर्वेशन आपका यहाँ पे नहीं है। देन सेकंड हम बात करते हैं आपका एडमिशन जो है, सिंपल सा बीबीएससी में जाना, तो नीट के थ्रू आपका एडमिशन होगा। मार्क्स बहुत कम है तो अप्लाई करना चाहिए। बीएससी एग्री हॉर्ट इन फॉरेस्ट्री में सीयूटी मार्क्स के बेसिस पर, बीटेक में सीयूटी मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा है। एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो, मिनिमम यहाँ पे आपकी 16 साल होना चाहिए। चेकआउट करोगे आप, सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है, और फीस सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर की जो रहने वाली है वो 57, आप देखोगे 57,940 रुपए, यानी ₹57,940 आपकी फीस यहाँ पे रहने वाले, जो कि आपकी इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, वो सब कुछ मेंशन कर दिया इन्होंने। आप चेकआउट करोगे, है ना, प्राइवेट से तो बेटर है और अच्छा है, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है ना, और आप प्लेसमेंट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। देन आप चेकआउट करते कर जाओगे, बीबीएससी एंड डीएच का भी फीस मेंशन कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखोगे बीएससी एग्रीकल्चर, अगर आपका पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएओ, आपका एंटर एग्रीकल्चर है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बीटेक में आप देखोगे पीसीएम, पीसीबी, ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में भी सेम आपका यहाँ पे रहने वाला है, फॉरेस्ट्री में भी सेम रहने वाला है, बीएफएससी में वही आपका एग्रीकल्चर। देन अगर आप बीबीएससी एंड डीएच करोगे तो पीसीबी आपका यहाँ पे नेसेसरी है। देन आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ट्वेल्थ में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप रीड कर सकते हो। देन इंपॉर्टेंट डेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा इनकी ऑफिशियल साइट पर। 16 अगस्त से 8 सितंबर तक इनका पोर्टल अभी ओपन है। फीस बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि आपका ₹500 लगने वाला है जनरल को, देन ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹400 लगने वाला है, देन एससी एसटी और इनकी बात करूं तो इनको ₹250 आपका लगने वाला है रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर आपके मार्क्स कम है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपको एक बार जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, वो एक कट ऑफ निकालते हैं, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो बिल्कुल आपके मार्क्स इधर उधर भागने से तो अच्छा है, आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देन आप हाउ टू अप्लाई, तो इनकी ऑफिशियल साइट्स पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करके भी मैं आप दिखाने वाला हूँ।
आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पीजी, पीएचडी और आपका यूजी में एडमिशन चल रहा है, चेकआउट कर सकते हो, सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है ना। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी आपके साथ में आप बताने वाला हूं। तो सिंपल सा है, आप देखोगे यहां पे यूजी सेल्फ फाइनेंसिंग पर आप क्लिक करोगे, जस्ट इसके बाद आपको क्लिक हियर अप्लाई नाउ, आप इसको नोटिस को रीड करके प्रोसेस्ड करोगे, देन आपको अगर न्यू हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। सिंपल सा, आपको नेम, ईमेल, पासवर्ड अगर नए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जस्ट आपको ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। पासवर्ड आप खुद को अपना पासवर्ड बनाना है, कुछ भी जो भी आप चाहो वो पासवर्ड बना सकते हो, देन आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। बिल्कुल आप सिंपल प्रोसेस इनकी फॉलो करते जाओगे, 10-12 की मार्कशीट, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे लगने वाली है। तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने मोबाइल वगैरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। यूजी, पीजी एंड पीएचडी, इनके लिए यहाँ पे एडमिशन चल रहा है, रैंकिंग भी इनकी ठीक ठाक है। आप चेकआउट करोगे तो ये आपको 31 नंबर के आसपास दिख जाएंगे। ये है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाला, ठीक ठाक रैंकिंग है। बिल्कुल आपको अगर नीड है तो आप यहाँ पे जो है जा सकते हो, ठीक है। सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, ठीक है, इम्फाला में है, मणिपुर में। और चेकआउट कर लेना इनकी साइट्स पर, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, मैंने देखा हुआ है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है, उतना अच्छा नहीं है, है ना, बट आप जा सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे पोर्टल अभी ओपन है ना। फिर मत बोलना कि भैया अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो गया, स्टूडेंट बहुत परेशान चल रहा है, खासतौर से वो स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं जिनने आईसीआर वगैरह ऐड नहीं किया था लास्ट में, है ना, और जिनके सीयूटी में मार्क्स बहुत कम है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो भाई, बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ठीक है। फीस थोड़ा सा हाई रहने वाला है, बस आपके पास ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है जा सकते हो, ठीक है। सिंपल से सिंपल चीजें हैं, आप चेकआउट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोचर्स में सब कुछ मेंशन है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स ओपन है, नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।